मौजूद हैं लाहौर के इलाका मनावा में UC 178 में। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, न डर, बेबाक, बेमिसाल खिदमत, बेलौस क्यादत, सियासी समाजी कारकुन और अवामी खिदमतगार। ये दिल से करते हैं अवाम को प्यार, ये दिल से करते हैं अवाम को प्यार, अवाम की खिदमत के लिए रहते हैं हर दम तैयार, अवाम भी इनकी खिदमत का करती है इकरार। ये हर दौर में दोस्तों का बढ़ाते हैं वकार, हौसला व हिम्मत, जज्बा व शौक और ये हैं पुरिसरार। इलाका मनावा UC 178 से चेयरमैन के उम्मीदवार मियां बाबर नवाब नंबरदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो इंशाल्लाह आवाम को बताएंगे। और आज उन्होंने एक स्टेप लिया है, वो ये है कि पंजाब पुलिस और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के जितने भी शोहदा हैं उनको खराज तहसीन यहाँ पे पेश किया जा रहा है। और जितने दोस्त अहबाब ड्यूटी कर रहे हैं हमारे पंजाब पुलिस के जवान जो हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज मियां बाबर नवाब नंबरदार साहब ने एक यहाँ पे मिसाल कायम की है पुलिस और अवाम में रवाबत बढ़ाने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए। इलाका थाना मनावा के लिए, बाटापुर के लिए और हरबंसपुरा के लिए आज दोपहर डिनर का, खाने का एहतमाम किया है जो उन्हें खाना पहुंचाया जाएगा। और मियां बाबर नवाब नंबरदार साहब के दिल में एक बड़ी मोहब्बत है, एक बड़ा जज्बा है अवाम की खिदमत करने का, और आज पंजाब पुलिस के जवानों की भी वो खिदमत कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तमाम अफसरान को, तमाम पंजाब पुलिस के जवानों को। उनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब आप हमें ये बताएं, आज का ये जो दिन है, मैं समझता हूँ आज एक लाजवाब जो दास्तान है वो रकम होने जा रही है, आपने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया, आपको ये कैसे ख्याल आया और आप ये कैसे कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया साहब। ख्याल क्यों ना आए जी, हमें पंजाब पुलिस के बहुत सारे जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, ख्याल हमें क्यों ना आए, पंजाब पुलिस दिन रात अपनी जानों को अपनी हथेलियों पर रख कर अवाम के माल की हिफाजत कर रही है, पंजाब पुलिस अवाम की जानों की हिफाजत कर रही है, पंजाब पुलिस जनाब अपनी जानों का नजराना पेश करके इज्जतों की यहाँ पर हमारे मुआशरे में अवाम के अंदर हमारी माओ बेटियों बहनों की पंजाब पुलिस इज्जतों की मुहाफिज है, तो जनाब खराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाल्लाह पंजाब पुलिस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ हमेशा ही पेश की हैं अवाम के लिए, तो जनाब उस हवाला से आज ये हमने एक छोटा सा कदम उठाया है कि हम थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार करें और इसी तरह हमें पता हो, अवाम को भी पता हो, हमें भी पता हो कि पंजाब पुलिस ने बहुत सारी लाजवाल कुर्बानियों की एक दास्तान रकम की है। तो मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस या पुलिस का किरदार हमारे मुआशरे में कितना अहम है। जिला लाहौर में हम चूँकि खड़े हैं, अपने शहर की बात कर लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाहौर शहर में एक हफ्ता के लिए पुलिस को गायब कर दिया जाए या पुलिस को कहीं भेज दिया जाए, कहीं और पर इनकी ड्यूटी लगा दी जाए, पूरे ज़िला लाहौर शहर में पुलिस मौजूद ना हो, तो एक हफ्ता के अंदर अंदर लाहौर शहर में ना तो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, ना यहाँ किसी का माल महफूज रहेगा और ना यहाँ पर किसी की जान महफूज रहेगी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को। ये चोरों को भी पकड़ते हैं, ये डकैतों को भी पकड़ते हैं, ये दहशत गर्दों का भी मुकाबला करते हैं। दहशत गर्दी जो कि नासूर हमारे मुआशरे का एक वक्त में बन चुकी थी और किसी हद तक अब तक भी मौजूद है, तो इन दहशतगर्दी का मुकाबला पंजाब पुलिस ने अपना खून देकर किया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और पंजाब पुलिस की अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ। और आखिर में मीडिया का शुक्रिया अदा करने के बाद मियां अशरफ साहब जो मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, मियां अशरफ साहब ASI पंजाब पुलिस, ये आज के चीफ गेस्ट हैं, हमारे मेहमान खसूसी हैं, मैं इनका बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जनाब मैं PTI के यहां पर रहनुमा मौजूद हैं, जनाब मेरे साथ खड़े हैं इरफान जाट साहब जो के कोआर्डिनेटर हैं PTI के वाबडा के, यानी 128 के। वैसे तो ये सुई गैस के महकमे में भी माफ़ी नहीं देते, काम तो वहां पे भी वाम के निकलवा रहे हैं, तो मैं इरफान जाट साहब का भी खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी टीम का भी खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मियाँ फुरकान साहब हैं, हाफिज़ शुएब साहब हैं, शफाकत साहब हैं,
और मेरी टीम के अभी दोस्त आ जाते हैं, मियां रिजवान साहब, मलक साहब साहब, तो मैं इस तरह जफर भाइयां, इन सब मैं अपनी पूरी टीम का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, और जनाब पंजाब पुलिस जिंदाबाद, और लाहौर पुलिस जिंदाबाद। जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के ऑफिसर, नौजवान क्यादत, फर्ज शनास सिपाही, ईमानदार सिपाही जनाब मियां मोहम्मद अशरफ साहब, जो ASI हैं थाना बाटापुर में। आज इस बजम के, इस तकरीब के, आज यहाँ मियां बाबर नवाब नंबरदार साहब ने उनको मेहमान खसूसी के तौर पे बुलाया है और आज वो यहाँ इस तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। हम इनके साथ साथ पुलिस के जितने ऑफिसरान हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और जितने शहदा हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नत अल फरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। और आज के इस पुरफितन दौर में जो अमनो अमान के लिए बड़ी कोशिश और बड़ी हिम्मत की है, हम सलूट पेश करते हैं CCPO लाहौर जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब को, जिनका विजन ये है कि जितने भी कब्जा माफिया ग्रुप हैं, बदमाश ग्रुप हैं, उनकी जो अजारादारी है वो ख़त्म की जाए और वो ख़त्म की जा रही है। और वो कहते हैं कि गरीब आवाम के साथ पुलिस का जो रवैया है वो अच्छा होना चाहिए, और ये क्यों नहीं ऐसे कि हम गरीब किसी को सर कह के बुलाएं बजाय कि किसी वडेरे जागीरदार को। और मैं किसी वडेरे और जागीरदार को नहीं मानता, मैं बस गरीब आवाम को मानता हूँ और जिसका जो हक है उसे दिया जाएगा। उन्होंने बड़ा अच्छा जो लेक्चर है, बड़ा अच्छा जो पैगाम है वो आवाम को दिया। और आज यहाँ पे मियां बाबर नवाब नंबरदार साहब ने तीन थानों के लिए जो खाने का अहतमाम किया है और यहाँ पे मेहमान खसूसी बनाया मियां मोहम्मद अशरफ साहब को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ी अच्छी काविश है, वो ये रवाबत बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए पुलिस और अवाम में ये काम किया गया है। हम अपने आज के मेहमान खसूसी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्याल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं बाबर नंबरदार साहब और आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी इज्जत अफजाई की है, और ये जो पंजाब पुलिस के लिए जो भी इकदाम कर रहे हैं ये इनका मैं मशकूर हूँ। आपने सारी बातें जो पहले कह दी हैं कि हमारे जो CCPO साहब लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, वो इस विजन पे कि ये अवाम जो है उसका और पुलिस के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, और गरीब जो है उसकी बात खड़े हो गए और सबसे पहले, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि यार मेरा तो कोई वाली वारिस नहीं है, उसको यही लगे कि मैं जिस जगह पे आ गया हूँ इधर मेरा मसला हल हो जाएगा। पहले ये नहीं था, पहले थोड़े से मामला तो और होते थे, मगर इंशाल्लाह अब ये जो उनका विजन है कि गरीब की जो दादरसी है सबसे पहले करनी है, वो जो गलत लोग हैं, जो मंशियात फरोश हैं या कब्जा ग्रुप हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। और ये मियाँ बाबर साहब जो हैं, इन्होंने ये जो भी इकदाम कर रहे हैं ये पुलिस और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इनसे बहुत खुश हूँ कि ये अवाम की ऐसे खिदमत करते रहें, अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जट साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शालीमार टाउन के, उनसे बात करते हैं आज इस तकरीब के हवाले से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत मखसूस हाँ बाबर लंबरदार साहब का, जिन्होंने मैं सद्या इतने अपने कोई छोटा ना प्रोग्राम किया ने पंजाब पुलिस वास्ते, तो उन्होंने ना कोई मिसाल कायम कर दी है, तो अज तक MPA MNA भी आए ने कोई पुलिस की हमीयत नहीं करते पैसे। ठीक है, हूँ अपना बाबर लंबरदार साहब ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपना रोटी इन्होंने लंच दे रहे हैं 12 बजे का भी। ठीक है जी, तो असा अपना मियाँ साहब के बड़ा शुक्रगुजार हैं, तो इनशाला पंजाब पुलिस जी है हूँ तो काफ़ी चेंज हो चुकी है, मतलब हूँ तो मिलते तो कम हो पे ने, पहले जाने थाने जाइए से सुनते नहीं गल, 500 दौ 2000 दौ जी फिर अंदर जा देंगे सी, तो हूँ बिल्कुल खत्म किया इन्हें। अपना गुलाम डोगर साहब आए ने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी, असा इन्हों सलूट मारने जी, शुक्रगुजार करने इन्हों का, मियाँ साहब का करने जी, अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इंजीनियर फुरकान साहब, उनसे बात करते हैं आज की इस तकरीब की, जो मियाँ नवाब नंबरदार साहब ने पुलिस और अवाम के दरमियान एक मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू किया उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मियां बाबर नवाब नंबरदार साहब वो शख्सियत हैं कि जो अवाम की खिदमत के हवाले से कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन आज इन्होंने ये जो स्टेप उठाया पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से, तीन थानों में इन्होंने खानों का इंतजाम किया है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह इनका हामी और नासिर हो। ये हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शुएब साहब, उनसे जानते हैं आज किस तकरीब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मियां बाबर नंबरदार साहब का और जितने भी मेरे टीम के दोस्त हैं सबका, कि इन्होंने आज बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि पंजाब पुलिस के हम खाना खिला रहे हैं
اور بھی میں میاں بابر نمبردار صاحب کا شکر گزار کرتا ہوں کہ ہمارے پورے مناوے میں ایک اعلیٰ شخصیت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے کہ جو بھی غریبوں کا مسائل ہوتا ہے ہم میاں بابر نمبردار صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. پولیس کا ہو چاہے وہ کسی سوئی گیس کا ہو یا جہاں بھی ہو ہم میاں بابر نمبردار صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. جی بالکل, آپ نے یہاں پہ باتیں سنی میاں نواب نمبردار صاحب کی, اور جو پولیس کے ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے میاں محمد اشرف صاحب, ان کی بھی عرفان جٹ صاحب, انجینئر فرقان صاحب, حافظ شعیب صاحب, تو انہوں نے یہی کہا کہ اس علاقہ کی جو ایک عظیم شخصیت ہے وہ بلا شبہ میاں بابر نواب نمبردار صاحب ہیں, اور یہ کوئی بھی خدمت کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور آج یہاں پہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے پنجاب پولیس میں اور عوام میں محبت بڑھانے کے لیے, روابط بڑھانے کے لیے, غریب عوام کی سنوائی کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو, پنجاب پولیس کے افسروں کو. یہ بڑی اچھی کوشش ہے, یہ بڑی اچھی کاوش ہے. پنجاب پولیس زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد. اور یہاں پہ جو دوست ہیں پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو پنجاب کی پولیس ہے وہ غریب عوام سے پیار کرے گی, محبت کرے گی, اور جو حق دار کا حق ہے اسے دیا جائے گا. آج جو سی سی پی او صاحب نے ایک اعلان کیا, اور اس اعلان کے تحت جو یہاں کے گنڈا بدماش اور قبضہ مافیا عناصر ہیں انہوں نے پولیس کی ایمانداری دیکھ کے لاہور کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. یہاں وہ لاہور کو چھوڑیں گے یا بدماشی کریں گے, اگر بدماشی کریں گے تو وہ قانون کی زد میں آئیں گے, کسی قسم کی کوئی ان کو معافی نہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں بابر نواب نمبردار صاحب کو کہ آج انہوں نے یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. کیمرہ زندہ باد, بابا نمبردار زندہ باد, بابا نمبردار زندہ باد, اور یہ عوام کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ حافظ اسرار احمد, بابے پاکستان نیوز, لاہور. اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں.